अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इशफाक शाह, क्रिकेट की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, पीसीबी ने सरफराज अहमद को तीनों तर्ज की क़यादत से बरतरफ कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्रिकेट के मुतालिक हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पीसीबी ने सरफराज अहमद को तीनों तर्ज की क़यादत से बरतरफ कर दिया, जबकि इनकी जगह टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली और T20 की क़यादत बाबर आजम को सौंप दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया। कौमी टीम की कप्तान सरफराज अहमद अब दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कौमी टीम में शामिल नहीं हो सकेंगे। इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर फॉर्म बहाल करने की हदायत दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए अजहर अली को कप्तान बना दिया गया है। सीरीज़ के लिए नायब कप्तान का तकरर जल्द कर दिया जाएगा, ताहम टेस्ट में इनके नायब मुमकिन तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान होंगे। अजहर अली को टेस्ट चैम्पियनशिप की सीज़न 2019-20 के लिए कप्तान बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह नेकबान।